मेड़ता विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं, मैदान में डटे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। विधानसभा चुनाव को लेकर मेड़ता की स्थिति साफ हो चुकी है। आज 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक जिन जिन प्रत्याशियों को नामांकन वापस अपना नामांकन पत्र उठाना था वो उठा चुके हैं। मेड़ता में केवल एक निर्दलीय प्रत्याशी भंवरा राम ने अपना नामांकन वापस उठाया है और भंवरा राम के नामांकन वापस उठाने के साथ ही अब यहाँ जो पीछे प्रत्याशी रहे हैं उनकी संख्या 6 हो गई है। अब मेड़ता विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में खड़े हैं, मैदान में डटे हैं। इन हम सभी प्रत्याशियों के आपको नाम बता देते हैं। कांग्रेस से शिवरतन उर्फ चिमन वाल्मीकि, बीजेपी से लक्ष्मण राम कलरू, आरएलपी से इंदिरा देवी बावरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से मदनलाल बालोटिया, बसपा से चंदन मल, आम जनमत पार्टी से रामावतार चुनाव मैदान में डटे हैं। मेड़ता विधानसभा सीट पर 7 प्रत्याशियों की ओर से टोटल 10 आवेदन किए गए थे। इनमें से आज एक भंवरा राम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में अब जो मेड़ता विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी बचे हैं जिन्हें आज SDM प्रशासन की ओर से सिंबल भी जारी कर दिए जाएंगे। अब हम आपको चुनाव के आगे के शेड्यूल के बारे में भी बता देते हैं। अब नाम वापसी के बाद अगले 16 दिन तक प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रचार करने का मौका मिलेगा और फिर इसके बाद 25 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी के साथ मेड़ता विधानसभा सीट के परिणाम के साथ ही प्रदेश की स्थिति भी सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव सहित अन्य किस्सों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर हो तो हमारे पेज को फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।